सम्राट के जुल्म की इंतहा हो गई। आज उर्मी के सब्र की भी इंतहा हो गई। और नतीजा फना हो गई उर्मी। जी हाँ, जी टीवी के सीरियल डोली अरमानों की में आ गया है मौत का ट्विस्ट। गुस्से में पागल सम्राट ने चला दी अपनी ही बीवी उर्मी पर गोली और ले ली उसकी जान। आई थिंक ये कोई मतलब अंत है किसी भी चीज का। कर दिया इन्होंने मेरा अंत, मिल गई इनको शांति और नाउ आई थिंक ही इज गोना बी इन पीस, आराम से जिएंगे। आई होप सो। और ईशान के रिश्ते को लेकर शक का बीज तो सम्राट के दिल में कई दिनों से था, लेकिन आज तो हद ही हो गई। उर्मी यहाँ आई थी सम्राट से ईशान के बारे में बात करने। हिम्मत कैसे हुई आपकी ईशान के साथ ऐसी घटिया हरकत करने की? सर घर तक तो गिर चुके थे हम, अगर खराबा करते हुए चल रही है आपको। और उसी को लेकर गुस्से में थी उर्मी। समझते क्या आपको, अपने मन में जो आएगा आप करेंगे। बहुत बुरा लगता है, उर्मी ने इतना कुछ वक्त देखा हुआ है, उसके बाद बुरा लगता है कि किसी, अब जब झगड़ा मेरे साथ है तो माइट एज वेल फाइट विथ मी, मेरी वजह से किसी और को तकलीफ देकर क्यों उसे नुकसान पहुंचा रहे हो। और आज ईशान की जो हालत की है उन्होंने, आई थिंक इज ऑलमोस्ट ऑन द डेथ बेड। लेकिन शराब के नशे में चूर सम्राट कुछ सुनने के बजाय उल्टा उर्मी पर ही इल्जाम लगाने लगा। अपने जीते जाती पति के सामने अपने यार के लिए झगड़ रही है आप, बड़ी घटिया औरत। सर आपसे अच्छा तो मैं ही था, बाहर जाके रिश्ता तो नहीं जोड़ा मैंने अपनी मस्ती के चक्कर में, लेकिन आप तो फूल सलाद छू आपको। और फिर देखते ही देखते बात हद से गुजर गई। प्लीज तो मत कीजिए, क्या कर रहे हैं आप? आप चाहे रोइए, सर पीट के खिड़काइए, सब ये बंदूक निकल चुके हैं। ये एक्चुअली पीक है उसके एंगर का, जहाँ पे फाइनली वो उर्मी को गोली मार देता है। एंड रीजन बीइंग कि उसको शक हो जाता है, यकीन हो जाता है कि इसके पेट में जो बच्चा है वो ईशान का है, तो वो उससे बर्दाश्त नहीं होता है। एंड ही इज ड्रंक ऑल्सो एट द सेम टाइम। बता दे, पर्दे के इस इंटेंस सीन को शूट करना उर्मी यानी नेहा मर्दा के लिए आसान नहीं था, क्योंकि उन्हें रियल लाइफ में स्विमिंग नहीं आती। शो में भी उर्मी को स्विमिंग नहीं आती है, और अगर आती भी होती है, जब किसी को गोली लगती है, यू जस्ट हैव टू आई थिंक अपने आप को, ये मुझे तजुर्बा तो नहीं है लेकिन आई थिंक आपको बस छोड़ देना चाहिए, यू हैव नथिंग एल्स लेफ्ट टू सेव योरसेल्फ। तो आई थिंक मेरे लिए बहुत, और मुझे दो आई डोंट नो स्विमिंग, मुझे डर नहीं लगता, मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता, ना मुझे हाइट का डर है, ना मुझे पानी का डर है, मुझे सारी वो चीज़ें करना पसंद है जो मुझे नहीं आता है। मुझे इसे कहते हैं रियल फाइटर। वैसे आप ये देखना दिलचस्प होगा कि सम्राट के अन्याय के खिलाफ उर्मी की ये फाइट यहीं खत्म हो जाएगी, या फिर कहानी में आएगा कोई और नया ट्विस्ट। आज तक ब्यूरो।